नमस्कार, मैं अभय और आप देख रहे हैं द ग्रामीण एक्सप्रेस। यूपी में काबा गाना गाकर चर्चा में आने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को यूपी पुलिस ने नोटिस भेजा। इस नोटिस में उन्होंने कुल 7 सवाल पूछे और नेहा सिंह को 7 दिनों का वक्त दिया कि वो आकर इसका जवाब दें। इसके बाद ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और नेहा सिंह राठौर को हॉस्पिटल में भर्ती देखा गया। इसके बाद वह एक मीडिया कार्यक्रम में पहुंची जहां उनसे सवाल पूछा गया। सवाल ये पूछा गया, क्या वो विपक्ष की मोहरा हैं? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कवि, लेखक और पत्रकार, समाज में इनकी भूमिका एक विपक्ष की होती है। बहुत बड़े बड़े लोग भेड़ बकरियों की तरफ पीछे पीछे लगे हैं कि उन्हें भी इनाम मिल जाए। इसमें यदि एक महिला, एक लड़की यदि शोषित बेरोजगार लोगों की बात उठाती है तो इसमें गलत किया है। वहीं नेहा सिंह राठौर पर यह भी आरोप लगा है कि वह पुलिस से भाग रही है, जिसका जवाब देते उन्होंने कहा कि मैं यहीं आज लखनऊ में हूँ, यदि पुलिस में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके ले जाए। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस से लेकर जज सब बिके हुए हैं और हमारी जज तो जनता है, अब वही फैसला करेगी। इसी बीच खबर ये आई कि नेहा सिंह के पति हिमांशु सिंह को एक कोचिंग संस्थान जहाँ वो अध्यापक के तौर पर पढ़ा रहे थे, वहाँ से उनको जबरदस्ती निकलवाया जा रहा है या उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा हो रही है कि यह सरकार के प्रेशर में इस्तीफा दिया जा रहा है, हालांकि उनके पति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए इन बातों को क्लियर किया। क्या लिखा उन्होंने पोस्ट में, आइए देखते हैं। दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास देवी कीर्ति के संस्थान से इस्तीफा देते हुए नेहा सिंह राठौर के पति ने फेसबुक पर लिखा, यह तथ्यात्मक रूप से एकदम सही है कि मुझे दृष्टि संस्थान की तरफ से 2 दिन पहले इस्तीफा मांगा गया था और मैंने कल ही अपना इस्तीफा दे दिया है, पर इस बात का नेहा को नोटिस दिए जाने से शायद कोई संबंध हो। एक अध्यापक और एक एम्प्लॉयर के रूप में विकास देवी कीर्ति सर का व्यवहार मेरे प्रति हमेशा स्नेहपूर्ण रहा है और बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे इस्तीफे को मुद्दा बनाकर उनकी छवि को धूमिल किया जाए। विनम्र निवेदन है, ऐसा मत कीजिए। यह पूरा मुद्दा पिछले दिनों कानपुर में घटित अग्निकांड को लेकर हुआ था, जहां नेहा राठौर ने एक गाना गाया था जिसमें उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए यह कहा कि यूपी में काबा, और उसकी एक लाइन थी, बाबा के डीएम भइल रंगबाज बार। इसी को लेकर यूपी पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा था। काबा यूपी में काबा और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बार। और हाल ही में यूपी की विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर गर्मा गर्मी हो गई, जहां योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में काबा, यूपी में बाबा बा। देखिए पूरा वीडियो। लेकिन मैं कह सकता हूं सबको, काबा उत्तर प्रदेश। अरे बाबा बा ना, कुछ नहीं कम तो है। यदि यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, अगर यह वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।